नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांस इंडिया चैनल। दोस्तों आपने देखा होगा बच्चों में अक्सर पेट दर्द की समस्या हर किसी को हो जाती है, हर बच्चे को हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी क्या चीज करी जाए जिससे पेट दर्द का बंद हो जाए। बच्चों में जब पेट दर्द होता है तो माँ बाप से या उसके पेरेंट्स से या उसके घर वालों से, दादा दादी से, किसी से भी नहीं देखा जाता और बच्चा बहुत तेजी से रोता है। तो बच्चों ऐसी अवस्था में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा बच्चा ठीक हो जाए और हम ऐसी कौन सी दवाई दें जिससे हमारा बच्चा तुरंत ही राहत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आप देखेंगे कि हम ऐसी कौन सी मेडिसिन देते हैं जिससे हमारा बच्चा या आपका बच्चा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा पेट दर्द की समस्या हर किसी को जाती है और बच्चों में अक्सर करके पेट दर्द की समस्या हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है हमारे साथ। मान लीजिए हम सफर में गए हैं तो ऐसी कौन सी मेडिसिन लेके चलें जिससे हमारे बच्चे का पेट का दर्द जो है बंद हो जाए। तो दोस्तों हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा क्या है पेट दर्द की। तो दोस्तों पेट दर्द के अंदर पेट क्या है, जब पेट के अंदर बच्चे के पेट के अंदर गैस की शिकायत हो जाती है तो उस स्थिति में हमारे बच्चे के पेट के दर्द होने लगता है और गैस पास नहीं हो पाती है तो पेट में दर्द होने लगता है। पेट में एटन टाइप की हो जाती है, गैस निकल नहीं पाती, दर्द होने लगता है। और क्या रहती है इस स्थिति, और मान लीजिए हमारे बच्चे के मान लीजिए कोई फिजिकली पेट से संबंधित डॉक्टर को हम जो है दिखा सकते हैं। अच्छा, और स्थिति क्या बनती है जैसे कि दोस्तों तो पेट दर्द में जो है दूषित दूध पीने से, जैसे मान लीजिए फटा हुआ दूध दे दिया या गंदी निप्पल दे दी, तब भी पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। और बच्चों को ज़्यादा मैदे की चीज़ें खाने से या बाहर की चीज़ें खाने से तब भी पेट की शिकायत हो जाती है, पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों इन्हीं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसी कौन सी दवाई दे सकते हैं उसमें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये तो हमारी परिभाषा होगी, इसके कॉज क्या क्या है, क्या क्या लक्षण है। तो बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी है बच्चों को, बाहर की चीज़ों से पेट दर्द हो जाता है। और आपका यदि बच्चा दूध निप्पल से पीता है तो निप्पल जो है बॉयल करके दीजिएगा, जिससे क्या है इसके अंदर इन्फेक्शन ना हो और दूध फटा हुआ रह जाता है वो उसके अंदर ना रहे और जो है बच्चा आराम से दूध पी ले। और निप्पल हमें कौन सी यूज़ करनी है इसके बारे में हम आपको एक दिन डिटेल के साथ बताएंगे। वैसे अच्छी जो है निप्पल आती है, BDF अप्रूव्ड जो आती है वो आती है आपकी फिलिप्स एवेंट की आती है जो निप्पल, और एक आती है डॉक्टर ब्राउन की। उस ये दोनों निप्पल जो है बहुत ही अच्छी कंपनी की है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जिससे बच्चा ये दूध पीता है, फीडिंग करता है, उससे पेट दर्द की शिकायत जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और क्या कोच है, बाहर का खाना है, दूषित पानी है, दूषित भोजन, दूषित दूध पीने से भी बच्चा जो है इन्फेक्टेड हो जाता है इन बीमारियों से। और बीमारी जैसे पेट के इन्फेक्शन हो जाना, लूज मोशन लग जाना या फिर निमोनिया की शिकायत हो जाना, तब भी उस स्थिति में पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, लेटिन आने लगती है, वॉमिटिंग आने लगती है। कोल्ड को विशेष तौर से ध्यान में रखना होगा, इन तरह के कॉजों से बचा कर रखना है। तो दोस्तों और हमें क्या कर सकते हैं, अच्छा अब इसमें हमें ट्रीटमेंट हम क्या दें इसमें। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमें ट्रीटमेंट देना है तो वो ट्रीटमेंट हम देंगे, जैसे कि मान लीजिए एक तो हम सबसे घरेलू उपाय करेंगे, जैसे हींग आती है, जो हींग बच्चे के पेट पर मसल नहीं है। अच्छा और हम क्या दे सकते हैं, तो जैसे हमारा छोटा बेबी है तो उसके लिए मेडिसिन ज़्यादा ठीक रहती है या फिर डॉक्टर से एडवाइस लें हम ज़्यादा बेस्ट रहता है। यदि हमारा बड़ा बेबी है या एडल्ट में है तो हम उसमें क्या दे सकते हैं, अजवाइन हो गया, अजवाइन के साथ काला नमक हो गया, इन तरह चीज़ों के हम भी दे सकते हैं। और क्या हम दे सकते हैं, और मेडिसिन में आपको बता देता हूँ मेडिसिन बच्चों में विशेष करके क्या देनी चाहिए। तो बच्चों में विशेष करके मैं मेडिसिन आपको दिखा देता हूँ कौन सी देनी चाहिए। जैसे पेट दर्द की जो है, पेट दर्द की शिकायत हो रही हो तो आप देख ही रहे होंगे, इसमें ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा ही ठीक है, जिससे बच्चे का पेट का दर्द तो तुरंत ही बंद हो जाता है।
वजन के हिसाब से देंगे, जैसे कि हमारा वजन आपका अभी एक महीने का है तो 3 किलो वजन है, तो उसमें आप जो है 6-7 बूंद दे सकते हैं। 2 महीने का है या फिर उसमें 5 किलो वजन है तो 10 बूंद दे सकते हैं, मतलब वजन के दोगुना देना है उतनी बूंद उन्हीं देनी है। जैसे 10 किलो वजन है तो 20 बूंद कर दीजिए, तो उस हिसाब से ये हमें देनी है। तो इसे पिलाने से पेट के दर्द में तुरंत राहत मिलेगी, तुरंत आराम मिले। दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट का मैं वो नहीं कर रहा, आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आप यही लीजिए, मार्केट के अंदर और भी सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कॉलीवैक्स आता है, कॉलीकैट ड्रॉप आता है, और भी आते हैं जिस तरह से आप जो है बच्चों के अंदर दे सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।